हेलो एवरीवन, आज हम क्ले से टेक्सचर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम यहाँ पीओपी लेंगे। इसके अंदर मैं 1 स्पून फेविकोल मिला रही हूँ। इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। हमें एक स्मूथ बैटर की तरह इसको बनाना है। हमें क्ले टेक्सचर बनाने के लिए अपने बैटर को इस प्रकार स्मूथ बनाना है। अब हमें मैंने यहाँ एक लकड़ी का बोर्ड लिया है। मैं इसके ऊपर हाथ से ये बैटर अप्लाई कर रही हूँ। एक इक्वल डालते हुए हमें बैटर को इसके ऊपर लगाना है। हाथ से प्लेन करते हुए मैंने इसको इस सारे में चारों तरफ इसके स्प्रेड कर दिया। अभी हम इस पे टेक्सचर बनाएंगे। अब हम अपनी 3 फिंगर्स लेंगे और इसके ऊपर 3 फिंगर से zigzag शेप में डिजाइन अप्लाई करेंगे। अब हम अपनी फिंगर्स को लेते हुए हम इसके ऊपर इस प्रकार फिंगर इंप्रेशन लगाएंगे। इसमें मैं 1 फिंगर यूज करते हुए सर्किल में डिजाइन बना रही हूँ। इसी प्रकार हम अपने जिस भी साइज पे बोर्ड पे हम डिजाइन बनाते हैं, हमको डिजाइन बनाना है। यहाँ मैं 2 फिंगर यूज करते हुए ट्रायंगल शेप में बॉर्डर बना रही हूँ। यहाँ जो हमने अपना कॉम्ब लिया है, इससे हम स्ट्रेट लाइनें बनाएंगे। इन्हीं स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम वर्टिकल करते हुए हम इसे क्रॉस पैटर्न दे देंगे। कॉम रिपीट करते हुए हम इसे भी जिगजैग पैटर्न में डिजाइन बना सकते हैं। कॉम यूज करते हुए हम अपने पेंटिंग के कॉर्नर्स पे हाफ सर्किल बना सकते हैं। इसी पैटर्न को हम अपने बोर्ड के बीच में चारों तरफ भी बना सकते हैं। यहां मैं वापस फिंगर से सर्किल बना रही हूं कॉर्नर्स पर, और सेंटर में हमें कॉम यूज करते हुए अब जिगजैग पैटर्न, स्ट्रेट लाइन, चेक, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी प्रकार हम अपनी पेंटिंग्स को डिफरेंट ऑप्टिकल्स यूज करके, आप चाहें तो स्पून से, फिंगर, पेन से, आप नए नए डिजाइन बना सकते हैं।